पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय डॉक्टर अंबेडकर वाल्मीकि युवा एजुकेशन संघ भारत के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में दीपक गुप्ता एक्टर मेकिंग एक्टिंग स्कूल रामगंगा विहार साई मंदिर के पीछे मुरादाबाद द्वारा एससी छात्र छात्राओं के साथ उत्पीड़न और शोषण करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाते हुए कहा गया कि एक्टिंग को सिखाने के लिए 50,000 रुपए धोखाधड़ी कर जमा कराए गए और खर्च 1,00,000 रुपए हो गया। साथ ही लड़कियों के साथ उच्च स्तर पर शोषण किया जाता है। गरीब अनुसूचित जाति के बच्चों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर उन्हें बहला फुसला कर शिक्षार्थी धोखाधड़ी के रुपए अटते हैं। उदाहरण के रूप में अनिकेत सोमकर से भी यही कार्य हुआ है। इसीलिए सभी ने मांग की है कि प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाया जाए। साथ ही ऐसे एक्टिंग स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी ऐसी छात्र छात्राओं के साथ कोई भी धोखाधड़ी न कर सके। दीपक गुप्ता मोहित जैन है जो कि एक्टिंग के नाम पर धोखाधड़ी और पैसों की वसूली करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी और उनको ब्लैकमेल करता है। दीपक गुप्ता मुंबई ले जाके वहाँ पे एंड मोमेंट पे पैसों की मांग करता है और कहता है सीरियलों में काम दिलाऊंगा, जो कि वहाँ काम भी नहीं दिलाता है। हमें इधर उधर भटकना पड़ता है भूखे प्यासे, इधर उधर ये हमारी वहाँ मदद नहीं करता। तुम्हारे साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ ये घटना घटी, इसने मुझसे 50,000 रुपये कैश लिए, उसके बाद 1,00,000 रुपये धीरे धीरे करके मंगाता रहा कि काम दिलाऊंगा, इधर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, उधर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। किसी सीरियल में काम नहीं दिलाया और ब्लॉक करा दिया इसने, क्योंकि इसने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी और मैंने आवाज़ उठाई, इससे बुरा लगा, इसने मुझे वहाँ ब्लॉक करा के मुझे वहाँ से वापस भिजवा दिया। ये फर्जीवाड़ा करते हैं, 50,000 रुपये एडवांस मंगाते हैं, 1,00,000 रुपये बॉम्बे जाने के नाम पर इनको के फ्लाइट से ले जाएंगे, वहाँ जाके आपको काम दिलाएंगे, वहाँ कोई काम नहीं दिलाते हैं। उसके बाद जब हम इनसे संपर्क करते हैं तो ये कहते हैं कि बोले मैं अनिकेत जो सोनकर है, बोले मैं तुझे यहाँ भी मारूंगा और बॉम्बे के अंदर भी मारूंगा। यानी हमारे बच्चे को वो जान से मारने की धमकी देता है। हमने इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक सूत्रीय ज्ञापन दिया है कि इसमें एक तो इसका जो एक्टिंग स्कूल है ये बंद किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।